हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो, दैट्स गुड। आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखना है नुसुम। नुसुम, अब आप सोच रहे होगे यार ये नुसुम क्या है, इसका मतलब क्या है? वी आर, यानी कि हम लोग। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम नुसुम कुछ एडजेक्टिव्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आर यू रेडी? ओके, अगर आप रेडी हैं तो इसको फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? Nous sommes prêts. That means we are ready. चलो मरिंदर, एक काम करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ और वर्ड्स भी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। Nous sommes pressés. इसका मतलब क्या है? We are in a hurry, यानी कि हम जल्दी में हैं। अब मनिंदर ने बोल दिया वी आर इन अ हरी, वी आर सॉरी अबाउट दैट। बाय द वे, वी आर सॉरी को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? नो सम डिसोले। मनिंदर, आपको पता है जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं मेरे से, आर यू हैप्पी विद अवर परफॉर्मेंस? So, आप बताओ क्या हम लोग खुश हैं? वी आर हैप्पी। यस, वी आर हैप्पी। तो इसको फ्रेंच में क्या बोलेंगे? नू सम कॉन्टों। बट मनिंदर, आपको पता है एक बात है, हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, वो वीडियोस तो देखते रहते हैं बट सीरियस नहीं है, सो इसलिए वी आर वरिड। बाय द वे, मुझे ये बताओ वी आर वरिड को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? नू सम एंकिए। देखो हम लोग वरिड हैं बट फिर भी हम लोग इकट्ठे हैं, वी आर टुगेदर। तो वी आर टुगेदर को फ्रेंच में क्या बोलेंगे? नू सम एंसेम्बल। तो हम लोग इकट्ठे हैं, हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, हम फ्रेंच सीख के रहेंगे क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है। तो सबसे पहले सीखना है कि वी आर स्ट्रांग को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं? नू सम फोर। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ और सेंटेंसेस के साथ। नू सम फ्रांसे। नू सम एंग्ले। Nous sommes déçus. Nous sommes satisfaits. Nous sommes malheureux. Nous sommes choqués. Nous sommes rapides. Nous sommes longs. Nous sommes actifs. Nous sommes peureuses. Nous sommes fables. Nous sommes polis. Nous sommes ponctuels. Okay friends, आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं ऑडियो के साथ, प्लीज प्रैक्टिस देम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय, au revoir.